नमस्कार दोस्तों, कानपुर की रसोई में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको पंजाबी स्टाइल से सरसों का साग बनाना सिखाएंगे। उसके लिए मैंने 250 ग्राम ये पालक मैंने ली हुई है, 250 ग्राम मैंने बथुआ और 250 ग्राम ये सरसों की सब्जी। सरसों की सब्जी मैंने ये सब पीछे का डंठल काट के हटा दिया है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैंने आपको ये दिखा के। अब इसको हम बॉस करके धो के अच्छी तरह से, फिर इसको हम कटिंग करके आपको बता रहे कैसे करना है। ये देखिए, हमने सारा धो लिया है। सबसे पहले हम इसकी गड्डी बना के इसको हम बहुत ही बारीक बारीक इसको इस तरीके से सारा कटिंग कर लेंगे। जितना महीन काटेंगे उतना ही ये अच्छा बनेगा। ये हमने धो के साफ करके तैयार कर लिया है। इसको हमने बहुत पानी से धोया है क्योंकि जरा से भी मिट्टी और वो रह जाएगा तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। अब हम गैस को इसको गैस में हमने कुकर को चढ़ा दिया और ये हम इसमें ये ढक्कन को हम थोड़ी देर के लिए ढकेंगे, ये पिचक जाएगा। इसमें हम फिर डालेंगे ये मैंने ये सारा इसमें मैंने डाल दिया है। अब इसमें हम एक ग्लास पानी डाल के इसको छोड़ देंगे और इसमें साथ में हम ये 6-7 मैंने हरे मिर्चे, अदरक का थोड़ा टुकड़ा और ये 10-11 मैंने लहसुन की कलियां इसमें ऊपर से पहले डालेंगे। इसको कूट ले, ये मैंने कूट लिया है, इसको थोड़ा दरदरा ही कूटना है और ये इसमें हम डाल देंगे। इसमें हम नमक वगैरह भी कुछ भी नहीं डालेंगे। ये देखिए पानी थोड़ा सा कम लग रहा है, मैंने एक गिलास पानी इसमें और डाल दिया है। अब इसको हम पकने के लिए इसमें 6-7 सीटी हम इसको 6-7 सीटी हो गई है। ये हमारा साग तैयार हो गया है। अब इसको हम इसको खूब इससे अच्छे से घोटेंगे। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और ये मैंने अब आपके पास ये है या हमारे पास तो इलेक्ट्रिक की तो हम इससे ज्यादा नहीं करिए, स्वाद नहीं रहेगा। ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। देखिए हमारा, आपके पास ये नहीं है तो आप इसको मथानी से घोट दीजिए। अब इसको हम रख देंगे। सबसे पहले हम अब इसमें तड़का के लिए मैंने ये लहसुन, एक प्याज, एक बड़ा टमाटर मैंने काट के रखा हुआ है, ये इसमें अभी हम इसको बताएंगे, और जीरा, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च। सबसे पहले हम गैस को ऑन कर ले रहे हैं। ये हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो गया। अब इसमें हम सबसे पहले मक्के का आटा धीरे धीरे डाल के इसको चलाएंगे। इसमें आप डाल दिए 2-3 चम्मच और इसको बराबर चलाते रहिए कि गुलती ना पड़ जाए। ये बराबर चलाते रहिए। बस ये देखिए हमारा थोड़ा सा बस ये अच्छा सा ठीक हो जाए। इसको चलाते हुए आप प्रेस कर दीजिए क्योंकि उछलता भी है, थोड़ा सा ध्यान से करिएगा।
अब ये जब तक पक रहा है इसमें हम स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे। ये आप खाइए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी जब तक हमारा पक रहा है, जब तक हमने ये तड़का के लिए मैंने हम सबसे पहले देसी घी डालेंगे। इसका तड़का ही बहुत ही जबरदस्त अच्छा होना चाहिए, तभी इसमें स्वाद आता है। अब हम इसमें लहसुन डालेंगे। इसमें हमने आधा चम्मच जीरा ऐड कर दिया और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम भूनेंगे। और इसमें हमने ये प्याज डाल दिया। यह है, इसको भी बहुत अच्छे तक अच्छे से गल जाना चाहिए। अब इसमें हम बहुत थोड़ा ही नमक डालेंगे क्योंकि उसमें पड़ चुका है। इसमें आप मक्खन भी यूज कर सकते हैं और देसी का तो है ये ज़्यादा, ये आप पे मर्जी पे डिपेंड करता है। इसको अच्छे से गल जाने दीजिए। ये देखिए हमारा तड़का बनके तैयार हो गया है। अब इसमें हम ये सरसों का साग, आपको जितना खाना हो आप उतना डालिए। ये देखिए हमारा बनकर तैयार हो गया। आप इसको फ्रिज में बंद करके रख लीजिए, आप हफ्ते भर तक आराम से खाइए और खिलाइए। ये हमारा देखिए कितना अच्छा और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप मक्के की रोटी पराठे के साथ खाइए, आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। अब इसको हम सर्व करेंगे। ये हमारा देखिए बनके तैयार हो गया है। ये देखिए कितना बढ़िया बना है ये, आप इसको खाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बार बार बनाइए और आपको अच्छा लगे तो इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। ये देखिए हमने मक्के की रोटी, और मक्के की रोटी के साथ गुड़ जरूर रखना मत भूलिएगा। जब गुड़ खाएंगे बहुत स्वादिष्ट लगेगा। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।